ये देखिए आप, ये बनाइए हमने घर पे आलू की तहारी। इस तहारी को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही कम सामान में आप जो है रेगुलर राइस को आलू की तहारी में बदल सकते हैं और इसे बनाने के बाद आपको ये रेसिपी जो है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी बनाना बहुत ईजी है, तो चलिए देखते हैं आलू की तहारी की रेसिपी बनती कैसे है। तो आलू की तहारी बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है 2 प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, एक बड़े टमाटर को स्लाइस कर लिया है, थोड़ा सा जो है पुदीना रखा है, 2 जो है हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा जो है धनिया पत्ता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे पोटैटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 आलू को मैंने जो है छोटे छोटे काट लिया है, ज़्यादा मोटा नहीं रखा है मैंने। आप देख सकते हैं एक आलू के मैंने जो है यहाँ पे 6 टुकड़े किए हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने 4 कटोरी चावल लिया है, बासमती राइस है, इसको मैंने जो है पानी में सोख कर दिया है। आप चाहें तो अपना घर का रेगुलर वाला जो शॉर्ट ग्रेन राइस होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे जो है 2 से 3 बार वॉश करिएगा और इसे जो है पानी में कम से कम 15 मिनट के लिए भिगोइएगा। खड़े मसालों में हमें यहाँ पे आधा छोटा चम्मच लौंग, एक बड़ा पीस जो है दालचीनी का, एक हमें काली वाली इलायची की ज़रूरत पड़ेगी, 2 तेज़पत्ता और 1 बड़ा चम्मच जो है जीरा की। तो चलिए आलू की तहारी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर मैंने 1 करछी के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है तेज़ पत्तों को ऐड कर दिया है। अब तेज़ पत्ते के बाद हमने जो यहाँ पे खड़े मसाले लिए थे हम उन्हें भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़े मसाले जैसे ही पक जाएं तेल के अंदर, उसके बाद आप जो है ज़ीरा ऐड कर दीजिएगा और तेल गर्म होगा तो ज़ीरा भी जो है फटाफट से पक जाएगा। तो अब जो है आप यहाँ पे हरी मिर्चों को ऐड कर दीजिए और उसके बाद जो है आप प्याज को भी ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे हमें जो प्याज है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें जो है ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो है आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा और 1 मिनट पकाने के बाद आप जो है अभी यहाँ पे पोटैटोस को ऐड कर दीजिएगा। सारा का सारा पानी जो है मैंने निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ और अब जो है हमें पोटैटोस को अच्छी तरीके से गलाना है और यहाँ पे पकते हुए हो चुके 3 से 4 मिनट। तो अब आप देख सकते हैं पोटैटोस और प्याज में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, मैंने हाई फ्लेम पर पका रहा हूँ अभी तक। और अब जो है हम यहाँ पे टोमेटोस को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे टोमेटोस को ऐड करने के बाद आपको जो है इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसी के साथ आप यहाँ पे धनिया पत्ता भी ऐड कर देना। अब जो है आपको यहाँ पे कवर करके पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई मैंने खोल के देखी है, आलू प्याज टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया है और आलू भी जो है मैंने स्पैचुला से दबा के देखा तो हल्के से जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस टाइम पे जो है हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ में 1 छोटा चम्मच जो है हम कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करेंगे और 2 छोटे चम्मच जो है हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं सब के सब बेसिक हैं और आपके घर पे आसानी से अवेलेबल होंगे। बस आप जो है इसे अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पे राइस ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे राइस का जितना भी एक्सेस पानी था सब निकाल दिया है और अब यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच बिरयानी मसाले का ऐड किया है। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं हो तो आप जो है 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद जो है राइस को और बाकी सब्जियों को मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। फिर जो है आप यहाँ पे पुदीना के पत्ते ऐड कर दीजिए और उसके बाद जो है आप यहाँ पे पानी ऐड कर दीजिएगा। अब पानी जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है, उसके बाद मिक्स किया है, फिर जो है मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, उसके बाद जो है मिक्स किया है। टोटल पानी जो है यहाँ पे मैंने आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा का इस्तेमाल किया है। आप जो है इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा, सारे मसाले और राइस जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच गुलाब जल ऐड किया है ताकि हमारे जो पुलाव की खुशबू है वो काफ़ी अच्छी आए। और फिर जो है मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए पकाया है। पांच मिनट बाद आप देख सकते हैं राइस का मॉइस्चर काफी कम हो गया है, सब्जियां जो है वो साइड में आ गई हैं। तो हम जो है एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से ताकि राइस और सब्जियां जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
और अब जो है हमें यहाँ पे इसे कवर करके पकाना है। तो कवर करके जो है मैंने यहाँ पे 4 मिनट के लिए और पकाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी कम हो गया है, तो इस टाइम पे बस आपको यहाँ पे कवर करना है और 10 मिनट के लिए एग्जैक्ट एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है 10 मिनट के लिए पकाया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस जो है हम लोग का बासमती राइस आलू की तहारी के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। आलू, सब्जियाँ और सब की सब चीज़ें जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं, और यहाँ पे ये जो पुलाव हम लोग ने बनाया है ये बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी है। आलू भी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। और ये जो है रेसिपी काफ़ी इजी है और झटपट बन जाती है, सामान भी हमें काफ़ी कम लगता है, और इसे जो है आप मठे के साथ या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं। बस थोड़ा सा नमक मिर्ची उसमें ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब आप ये देखिए आलू जो है कितना बढ़िया तरीके से गला हुआ है। तो हम फिर मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।